आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ दो भाई हैं, मींस टेलीविजन के भाई, और ये दोनों भाई बड़े स्ट्रॉन्ग हैं बिकॉज ये हैं हीर के भाई, शक्ति अस्तित्व के एहसास की से। सो थैंक यू सो मच अविनाश, थैंक यू सो मच मेहजान फॉर टॉकिंग टू अस, फॉर टॉकिंग टू इंडिया टीवी। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। वेरी वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, ऑब्वियसली नवरात्रि से शुरू हो चुका है फेस्टिवल्स। सो कैसा रहा सेलिब्रेशन सेट पर नवरात्रि का? और आप लोगों ने तो काफी धमाल किया है, शादी का त्यौहार माहौल चल रहा है इस वक्त सेट पे। मेहजान, शादी का माहौल चल तो रहा है बड़े धूमधाम से, बस डर यही है कि सोहम आके सारी तैयारियां बिगाड़ ना दे। हाँ, लेकिन ये सोहम का प्रॉब्लम क्या है अविनाश, क्या चक्कर है, आप क्यों खुश नहीं है हीर की शादी से? व्हाट हैपेंड? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे ना बचपन से छुपाया गया था ये सच के बारे में, तो मुझे अब जाके मालूम पड़ा। तो घर में सिर्फ मैं एक ही सदस्य हूँ जिनको मालूम नहीं था, और जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं ये समझता हूँ, सोहम ये समझता है कि उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम उसके अस्तित्व के बारे में, और वही इवेंचुअली हर्ट होगी। ओके, सो मतलब आप विरोध कर रहे हैं लेकिन हीर के फायदे के लिए विरोध कर रहे हैं? यस यस। अच्छा, लेकिन आपके भाई आपकी इस बात से कन्विंस हैं कि नहीं? मैजन, आप कन्विंस हैं इस बात से? नहीं हूँ, ऑब्वियसली कन्विंस तो नहीं हूँ। रोहन बिल्कुल कन्विंस नहीं है इस बात से, पर कहीं ना कहीं सोहम जो सोच रहा है और जहाँ से आ रहा है वो भी उसकी जगह ठीक है। बस एक ही प्रॉब्लम है सोहम का, वो बहुत गर्म दिमाग है, एंग्री यंग मैन है, तो वो बोल देता है, सोचता नहीं है बोलने से पहले, और फिर बाद में सोचता है, और उसकी सोच भी उसके बोलने जैसी गलती होती है। पर ठीक है, he's right on his part, he's गरम खून है, तो ठीक ही है, क्या करें, समझाना पड़ेगा। गरम खून को ठंडा करने के लिए जेल भेजेंगे क्या आप और पीतो मिलके? मैंने सुना है जेल वगैरह भेजने का प्लान है। प्लान तो देखो ऐसा कुछ है तो, पर कितना एग्जीक्यूट कर पाए कितना नहीं कर पाए वो हमें भी पता नहीं है, क्योंकि हमें इतना पता है कि सोहम को जेल भेजो या हाँ जहाँ भी भेजो वो साला निकल के जरूर आ जाए। सोहम देख रहे हैं आप, आपके घर वाले आपको जेल की चक्की पिसवाने पे तुले हुए हैं। हम बेचारे बाहर वाले क्या ही नुकसान करेंगे, घर वाले भी से पड़े अभी तो। आई नो, हमारी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था, जो कहावत है। अगर जेल भेजते, मैंने एक्चुअली लाइन भी ये बोला है कि आप चाहे मुझे जेल भेज दो या पाताल भेज दो, मैं वापस आऊंगा और अपने मकसद में कामयाब जरूर होऊंगा। लेकिन he really wants to get married to Virat because she loves Virat. तो हीर तो दिल से चाहती है कि उनकी शादी हो, भले वो अपने अस्तित्व के बारे में अभी जानती हैं या नहीं जानती हैं, but she is in love with Virat and Virat is also wants to get married to हीर, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। So don't you think कि मतलब एक बार जो नियति में लिखा है उसको होने देना चाहिए, मतलब जो होगा देखा जाएगा टाइप का एटीट्यूड, why can't you follow this? नहीं, क्योंकि फिर इस शादी के बाद आई थिंक जो मेजर दुख जो पहुंचेगा वो हीर को ही पहुंचेगा, क्योंकि विराट तो ऑलरेडी जानता है उसके अस्तित्व के बारे में, उसके घर वाले नहीं जानते, तो शादी के बाद एक अलग इक्वेशन बन जाता है आपके ससुराल में। तो ससुराल की जो इक्वेशन जो होने वाली है मेरी बहन के साथ, हमारी बहन के साथ, वो आई थिंक गलत होगी। सो आप क्यों चाह रहे हैं, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि आपका कोई चाहने वाला एक गलत रास्ते से जा रहा है और सोम ये जानता है कि गलत रास्ता है, तो इसको ना चुने। अच्छा, मेहजान और अविनाश, आप दोनों से मेरा सवाल एक एक करके। फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली इज कमिंग अप वेरी सून, बहुत कम समय बचा है अब तो दिवाली में, क्या प्लान्स हैं दिवाली के, क्या करने वाले हैं फेस्टिवल पे? यार फॉर मी दिवाली और एनी फंक्शन और एनी फेस्टिवल हमेशा यही होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बीइंग एट होम, ईटिंग ग्रेट होम फूड, मिठाइयां खाना, वेट पुट ऑन करना, और फिर दो तीन महीने रोना कि मैंने क्यों खा लिया इतना। तो बस वही है, द सेम थिंग दिस टाइम दिवाली। आई एम श्योर सब लोग को थोड़ा और ज्यादा प्रिकॉशन लेना होगा बिकॉज ऑफ आर करंट सिचुएशन, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए डूइंग ऑल ऑफ दैट हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा, पर तैयारियां जोर में है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिवाली। ओके अविनाश, व्हाट्स योर प्लान? या सो आई थिंक अभी दुर्गा पूजा भी चल रही है जो बंगाली के लिए बहुत स्पेशल फेस्टिवल होती है, सो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने मॉर्निंग आरती भी आज सुबह अटेंड की जूम के द्वारा,
एंड क्योंकि हम पैंडल में जा नहीं पा रहे हैं, और फिर दिवाली आ रही है, सो एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड, सब तैयारियां भी चल रही हैं। हम वैसे वो भरपूर वाली दिवाली अगर ना शायद बना पाए, लेकिन हमारे दिलों में पॉजिटिविटी रहना बहुत जरूरी है, जो कि है ऑलरेडी, और वी आर ऑल टुगेदर प्रेइंग एंड होपिंग फॉर अ वेरी गुड एंड द बेस्ट 2021 एवर। लेकिन ये साल एक्चुअली सबके लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट निकला है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोरोना। सो आप दोनों किस तरीके से डील कर रहे हैं सिचुएशन को? लाइक यू आर शूटिंग एवरी डे, इट्स क्वाइट रिस्की आल्सो टू गो आउट ऑफ द हाउस, बीइंग ऑन द सेट, शूटिंग विद एवरीबॉडी एल्स, हाउ डू यू डील विद दिस प्रेशर? अविनाश? या आई थिंक एवरीवन, यू नो, व्हेन लॉकडाउन हैपेंड, सो लाइक एवरीबॉडी वाज होम, एंड बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही एक मुश्किल पीरियड था, बट अभी सब धीरे धीरे सब काम पे वापस आ रहे हैं, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सभी काम पे वापस आ रहे हैं, और अभी ये न्यू नॉर्मल बन चुका है, जो कि सही भी है, जो चीजें हैं वो हमारे हैबिट में आ जाए तो बहुत अच्छी है, कि हाथ साफ रखना कोई खराब आदत नहीं होती, और मास्क पहनना कोई खराब आदत नहीं होती, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम इजीली अपने डे टू डे जिंदगी में अकोमोडेट ना कर पाए। अच्छा, मुझे नहीं लगता है मास्क पहनने से मेहजान को ज्यादा कुछ इश्यू होता होगा, ही यूज्ड टू लाइक वेयर लाइक दिस हेवी कॉस्ट्यूम इन 2.5 किलो। तो मेहजान को तो मुझे लगता है कि आदत है, मतलब एक फुल बॉडी मास्क पहनने की है दिस हैबिट ना मेहजान, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। यार वो मतलब आपने अब याद दिलाया तो सच में इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम यार, मतलब आई रिमेंबर एग्जैक्टली, हर रोज का वो बॉडी सूट और ये, और कपड़े के ऊपर कपड़ा के ऊपर कपड़े के ऊपर, यहाँ पर मास्क पहनना तो अब खैर जरूरी, इट्स बिकम मोर ऑफ एन एसेंशियल, इट्स एन एसेंशियल ओनली आजकल। आई थिंक ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा मास्क ही बिक रहे हैं, लोग मास्क ही खरीद रहे हैं अलग अलग स्टाइल के, कितने लोगों ने नए बिजनेस शुरू कर दिए डिजाइनर मास्क वगैरह के। पर यार शूटिंग ड्यूरिंग दीज टाइम्स यार बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं, थैंक्स टू रश्मि मैम, आर प्रोडक्शन, सब लोग पीपीई किट्स में होते हैं, एंड इट्स वेरी, यू नो, दे हैव टेकन सबसे ज्यादा केयर फॉर ऑल देयर एक्टर्स, एंड यू नो एवरीबडी सैनिटाइजेस, देयर इज अ रेगुलर चेकअप, और यू नो इट्स इनिशियली थोड़ा डर लगता था क्योंकि यू नो ऑब्वियसली अभी जस्ट लॉकडाउन खत्म हुआ था, शूटिंग शुरू हो रही, तो इट वॉज लिटिल स्कैरी इन द स्टार्ट, बट फिर वंस वी गॉट टू सी दैट सब लोग इतने प्रोटेक्शन में है, यू नो पीपीई किट्स एंड एवरीथिंग, फिर ठीक था, वाज़न्ट दैट बैड, बट यार नाउ मास्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी बिकॉज ऑफ द थैंक्स टू द बॉडी सूट। अच्छा, एक सवाल फैंस की डिमांड पे आप दोनों से है हमारा, और वो है आप दोनों की जर्नी के बारे में। मैं एक एक करके आप दोनों से जानना चाहता हूँ। अविनाश, हाउ वाज योर जर्नी टिल डेट, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड बीइंग इन बालिका वधु इस जगिया, तब से लेकर अब तक की जर्नी कैसी रही आपकी? ये तो बड़ा लंबा सवाल हो गया, 12 साल का सवाल है। सो आई जस्ट गॉट टू नो दी, एक मैं इंटरव्यू कर रहा था, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि 12 साल हो गए मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री में, और मालूम ही नहीं पड़ा। एंड मैं बम्बई आया था जब मैं अराउंड 8-9 साल का था, और अब मैं 23 साल का हूँ। सो द जर्नी हैज बीन, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, इन अ नटशेल, इट्स बीन मैजिकल, बहुत खूबसूरत, बहुत कुछ सीखने मिला, एंड I am so blessed and fortunate कि मैं हर सुबह उठ के वो करने जा रहा हूँ जो मैं हमेशा सपने में सोचता था, और हर सुबह वो सेट पे जाना, वो मेकअप करना, वो कैमरे के सामने एक्टिंग करना, रोल रोलिंग एक्शन सुनना, मेजबान को मिलना, finally 10 साल बाद ऐसे मेरे किस्मत खुले कि मैं रोज जाके माता को मिलूं। यस, सो आई थिंक, और सबसे ऊपर बात यह है कि जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी अप्रिसिएशन देते हैं कि लगता है कि वो और मेहनत करें और आगे बढ़े। I think Mehzan bhi shayad yahi message dena chahte hain, because his journey also been like very very amazing. Yeah. My journey is full of different roles and ups and downs,
मोटा पतला पता नहीं क्या क्या इट्स बीन अ हेल ऑफ अ राइड बट आई एम लविंग इट आई एम लविंग टू शूट इन शक्ति ऑल्सो बहुत कुछ सीखने मिलता है यार फ्रॉम आवर सीनियर्स सुदेश बेरी कामिया पंजाबी ऑल ऑफ देम आर फैब अविनाश से बहुत सीखता हूँ मैं ही इज बीन अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड एक्टर नाउ सिंस फॉरएवर और वो इतने अभी भी इतना यंग है और इतना टैलेंट है इसमें मतलब आई कांट आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इस बंदे में इतना टैलेंट है सर ही हैज नो आइडिया ही इज फैब अच्छा लास्टली अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज बिग बॉस एंड वी मस्ट टॉक अबाउट बिग बॉस सो हु इज योर फेवरेट वन बाय वन लाइक हु शुड विन द शो आई तो डोंट सी आर यू सीरियस यू डोंट सी बिग बॉस नो मैं सच बताऊं तो इवन सच बताऊं तो इवन आई डोंट पर या पर यही है कि आई थिंक सौम्या शुड विन शक्ति क्योंकि आप दोनों मेरा ये सवाल मेरा सवाल इसलिए भी था बिकॉज आप दोनों के साथ तो मतलब पर्सनल कनेक्शन है आपकी शो की पहली लीड सौम्या आपकी माँ वो शो में रुबीना इज लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द हाउस या आई थिंक रुबीना हैज टू एंड शुड विन चलिए लास्टली अपने सभी फैंस के लिए फॉर द शेयर ऑफ अनुराती एंड आने वाली दिवाली के लिए एक विश आप दोनों जरा कर दीजिए आने वाले दिवाली के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें और 8 to 8:30 मंडे टू फ्राइडे सोमवार शुक्रवार आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपके मनोरंजन का पूरा व्यवस्था किया हुआ है कलर चैनल ने चाय लेकर कॉफी लेकर डिनर लेकर जो भी आप उस समय जो भी करते हैं और एंजॉय करिए दिवाली को अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखिए माता पिता से प्यार करें घर वालों से प्यार करें सबको यू नो अच्छे से प्यार से पेश आए और उम्मीद करें ऊपर वाले से कि सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए और सब जो भी दिक्कतें आई हैं इतने सारे लोगों को वो खुशहाली में तब्दील हो जाए आई जस्ट वांट टू विश एवरीबॉडी वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस प्लीज शक्ति देखते रहिए बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 एक्साइटिंग दिवाली फॉर ऑल ऑफ यू so yeah please watch Shakti maintain social distancing keep your hygiene up and yeah just eat healthy stay healthy and be with your family it's a great time thank you so much guys thank you so much for talking to us and you guys stay safe thank you yep. thank you bye thank you bye bye